अगर आपके घर में बच्चे बड़ों को सुशी खाना पसंद है तो 2 मिनट रुक जाओ और ऐसे बना लो, एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसमें हम राइस को कैसे कुक करते हैं और कैसे इसे जो है रोल करते हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पर्पल राइस लिया है सुशी बनाने के लिए। इसमें वाटर ऐड करके एकदम अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कढ़ाई में इस तरीके से। इसमें ऐड कर देंगे वाटर, जितना हमने राइस लिया उसका डबल हमें वाटर ऐड करना है और इसे एकदम अच्छे से कुक कर लेना है। देखो इस तरीके से हमारे राइस कुक होके तैयार है। अब इसमें सॉल्ट, शुगर और विनेगर ऐड करना है। इसे ऐड करके एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आपको नेक्स्ट रेसिपी में क्या देखना है मुझे ज़रूर लिखकर बताना, और ये रेसिपी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताना। हमारा स्टिकी राइस वाला मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। अब एक पैन में बटर, पेरी पेरी मसाला और पनीर के इस तरीके से स्लाइसेस ऐड करके दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सेक लेना है। और आप चाहो तो पनीर की जगह टोफू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके ऊपर है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया रोलिंग मैट और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे नोरी शीट। अब जो हमारे कुक किए हुए राइस थे उसको ऐड कर देना है, देखो इस तरीके से, और एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इसमें अपने फेवरेट वेजीज ऐड कर देना है, मैंने कैरेट और क्यूकम्बर ऐड किए। साथ ही साथ इसमें जो मैंने पनीर को क्रिस्पी करके रखा था उसको भी ऐड कर रही हूँ। पेरी पेरी मसाले की जगह आपके पास जो आपका फेवरेट सॉस है उसमें भी आप पनीर को सॉटे कर सकते हो। अब बातें करते करते मैंने इसको एकदम अच्छे से रोल कर लिया टाइटली। एक शार्प नाइफ से इसे एकदम अच्छे से कट कर लेना है और हमारी यमी वाली सुशी बनके तैयार है। ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसी बनी।